नरेंद्र मोदी 2014 से भी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हैं। मोदी की सुनामी में बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस समेत तमाम छोटे बड़े दल अब तक आए रुझानों में बुरी तरह हारते हुए दिखाई दिए। इस बीच 2014 की तर्ज पर 2019 में भी पीएम मोदी ने मतगणना के दिन ही अंतिम परिणाम आने से पहले ट्वीट कर दिया। आपको बता दें, मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विजयी भारत। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट में 2014 में दिए गए नारे सबका साथ सबका विकास से एक कदम और आगे बढ़ते हुए सबका विश्वास भी जोड़ दिया। विजयी भारत का जिक्र कर पीएम मोदी ने खुद की जीत की ओर इशारा किया। वहीं देश भर से मिले समर्थन को पीएम मोदी के इसी विश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस प्रकार से 2014 में शपथ के बाद मोदी समेत पूरे मंत्रिमंडल ने सबका साथ सबका विकास को नारे के रूप दिया था, ठीक उसी तर्ज पर मोदी के ट्वीट को एक नया नारा माना जा रहा है जिसमें विश्वास जुड़ गया। पीएम मोदी ने कहा, एक बार फिर से भारत की जीत हुई है। वही प्रधानमंत्री मोदी की इस जीत पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी उनको बधाई दी। वही तमाम बड़े देशों ने भी उनको बधाई दी। ऐसे में अब मोदी एक बार फिर सत्ता में आ गए। अब देखना होगा वो कुर्सी संभाल कर क्या बदलाव करेंगे। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।